न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रचार में पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। भाषण देते हुए रो पड़ी कांग्रेस उम्मीदवार गनीबेन ठाकुर। किरोड़ी लाल मीना स्टेज छोड़कर भागे, कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया दावा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रचार में पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। नागपुर शहर में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मैदान में है और कांग्रेस की ओर से विकास ठाकरे। ऐसे में गडकरी होने की वजह से यह मुकाबला काफी बड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ के बाद अब गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी गडकरी के प्रचार के लिए नागपुर पहुंचे। इस दौरान सावंत ने कहा कि गडकरी इस बार भी बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और बहुमत मिल रहा है। पीएम मोदी का 400 पार का नारा इस बार हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज का चुनाव है, मुझे नागपुर में आने का मौका मिला माननीय नितिन जी गडकरी इनके प्रचार कार्य में। माननीय नितिन जी गडकरी तो बहुत बड़ी मार्जिन से इस बार भी जीत रहे हैं। मैं सिर्फ इन्हें हमारे कुछ आयुष सेल डॉक्टर नवो मतदारा इनको संबोधित करने के लिए आया हूं, लेकिन महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेजोरिटी ऑफ द सीट्स एनडीए को मिल रहे हैं और मोदी जी अब की बार 400 पार ये नारा हम पूरा कर रहे हैं। कल संकल्प पत्र आया बीजेपी का, उसके पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र है, न्याय और गारंटी की बात कांग्रेस ने दी है। हम तो मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं क्योंकि इस देश में एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी, जो हर 5 साल में 10 साल के लिए जो मोदी जी ने गारंटी दी है वो 100% गारंटी फुलफिल की है। इसलिए लोगों को सिर्फ मोदी जी के गारंटी के ऊपर भरोसा है। कोई किसी ने न्याय और ये निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तक कहने 60 साल तक बता रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, वो गरीबी कभी हटी नहीं थी। माननीय मोदी जी ने यानी गरीबी दारिद्र्य रेखा के ऊपर 25 करोड़ लोगों को उठा के दिखाया है, यही तो मोदी जी की गारंटी है। इसलिए लोगों का विश्वास मोदी जी की गारंटी के ऊपर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर गोहत्या पर प्रतिबंध, भाषण देते हुए रो पड़ी कांग्रेस उम्मीदवार गनीबेन ठाकुर। बनासकांठा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गनीबेन ठाकुर ने आज नामांकन फॉर्म भर दिया। नामांकन फॉर्म भरने से पहले उन्होंने ट्रैक्टर में बैठकर रैली निकाली और एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए गनीबेन भावुक हो गए। जब गांव गांव लोग मुझे फूल मालाएं पहनाते थे, यह कहते कहते वे रो पड़ी। गनीबेन ठाकुर भावुक हो गए और कहा, जब मैं गांव गांव जाती हूँ तो लोग मुझे फूल मालाएं पहनाते हैं, तो उनका मुझ पर कर्ज होता है और लोकसभा कोई छोटी चीज नहीं है। पीढ़ी पर पीढ़ी आगे बढ़ने पर भी टिकट नहीं मिलता, लेकिन जब इस बनासकांठा के लोगों के विश्वास ने मुझे टिकट दिया है तो ये भगवान कृष्ण कन्हैया मेरी नाव को बचाए और मेरे बनासकांठा को सुरक्षित रखे। मैंने पिछले 1.5 महीने से पूरे जिले के हर तालुका की यात्रा की है, इसलिए मुझे खुद चुनाव लड़ने का ज्यादा विचार नहीं था, लेकिन जब पूरा जिला हमारे कांग्रेस मावड़ी मंडल और हमारे जिले के नेता जो टिकट मांग रहे थे वे सभी एक नाम रखने के लिए एक साथ आए और कहा कि बेन, हम अब खुद टिकट नहीं मांगते, लेकिन समय और परिस्थिति के कारण आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। गनीबेन ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम पूरे जिले में विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। करोड़ी लाल मीना स्टेज छोड़कर भागे, कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर किया दावा। राजस्थान के दौसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी मंत्री करोड़ी लाल मीना काफी नाराज हो गए हैं। उनकी नाराजगी इस कदर थी कि वे स्टेज छोड़कर चले गए। दौसा का है मामला, उन्होंने गुस्से में कहा, शर्म आनी चाहिए मेरे को तो शर्म आ रही है, ऐसे सभा करने में यही मेरा भाषण है, दे दिया ना, जाओ अपने अपने घर। राजस्थान कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में दावा किया गया है कि सभा में भीड़ नहीं जुटने की वजह से मंत्री नाराज हो गए और सभा को संबोधित किए बिना ही चले गए। शर्म आनी चाहिए तुमको, मेरा तो शर्म आ रही है ऐसी सभा करने से।
ये मेरा भाषण है, जाओ अपने अपने घर, दे दिया ना भाषण, चलो मुंडली मुंडली बार बार बुला तुम। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TA ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsta.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज TV पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।